वाइस प्रेसिडेंट खतर में है, उनकी खतर मौजूदगी में एम्बेसडर को बुलाकर कहा जाता है, इतनी बड़ी बेइज्जती भारत की। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? मैं फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, इंडियाज इंटरनल मैटर्स नाउ व्हाट इज दिस, प्लीज टेल अस, बताइए। हमारा देश का अंदरूनी मामला आप सब जगह बोलते हैं जयशंकर साहब, ये कौन सा इंटरनल मैटर हो गया? आप ये इस तरह के बयानात देकर 10 दिन तक खामोश बैठकर और भारत के मुसलमानों को उनकी आवाज को नहीं सुनना प्रधानमंत्री की, ये प्रधानमंत्री भारत के मुसलमानों की नहीं बल्कि भारत के शहरियों की बेइज्जती कर रहे हैं। हमारे देश के जो नागरिक इन गल्फ कंट्रीज में रहते हैं वो 34,20,000 के करीब रहते हैं। यूएई में खुद 34,20,000, सऊदी अरेबिया में 25 लाख, यूनाइटेड स्टेट्स में 12,80,000, कुवैत में 10,29,000, ओमान में 7 लाख, कतर में 7.5 लाख, नेपाल में 5 लाख, यूनाइटेड किंगडम में 3.5 लाख करीब, सिंगापुर में 3.5 लाख, बहरीन में 3,23,000, और जितने टॉप 10 NRI डेस्टिनेशन है उसमें 6 के 6 ये गल्फ कंट्रीज में है। अगर ये गल्फ कंट्रीज में इंडियंस के खिलाफ हॉस्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अगर ये लोग हॉस्टिलिटी शुरू कर देंगे और हेट वायलेंस वहां पर शुरू हो जाएगा इंडियंस के ऊपर, तो कौन जिम्मेदार है प्रधानमंत्री जी, बताइए? और देश को 55% रेमिटेंस यही कंट्री से आता है जिसका मैंने भी नाम लिया। क्या कर रहे हैं, कौन सी फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी आपकी? 56 इंच की सीना की फॉरेन पॉलिसी, आपने देश की फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद कर दिया। जो डोमेस्टिक हेट पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर दिए उसको, और उसका खैमियाजा हम देख रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के एम्बेसडर्स को कंट्रीज बुलाकर कह रहे हैं कि आपने गलत का डिमार्स दे रहे हैं कि आप माफी चाहिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आइंदा हफ्ते आने वाले हैं, ईरान हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर बोलता है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की है, माफी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट खतर में है, उनकी खतर मौजूदगी में एम्बेसडर को बुलाकर कहा जाता है, इतनी बड़ी बेइज्जती भारत की। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? मैं फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, इंडियाज इंटरनल मैटर्स नाउ व्हाट इज दिस, प्लीज टेल अस, बताइए। हमारा देश का अंदरूनी मामला आप सब जगह बोलते हैं जयशंकर साहब, ये कौन सा इंटरनल मैटर हो गया? आप ये इस तरह के बयानात देकर 10 दिन तक खामोश बैठकर और भारत के मुसलमानों को उनकी आवाज को नहीं सुनना प्रधानमंत्री की, ये प्रधानमंत्री भारत के मुसलमानों की नहीं बल्कि भारत के शहरियों की बेइज्जती कर रहे हैं।